अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। देखिए, उत्तर प्रदेश के विकास के पथ के ऊपर एक नए युग, इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक नया युग चल रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में आना था, जिसकी हम तैयारी कर रहे थे, लेकिन स्वाभाविक रूप से उनकी जो व्यस्तता और देश की परिस्थितियाँ हैं उसके नाते से यहाँ की रैली और उन कार्यक्रमों को जो विकास से संबंधित है सबको संयुक्त रूप से कर दिया गया। जो इंडस्ट्रियलिस्ट ने वहाँ पर आना था, यहाँ पर उनके लिए एक अलग दीर्घा बनाई गई है और अलग अलग इस प्रकार की दीर्घाएँ जिससे संबंधित जो उद्योगों से संबंधित या शिलान्यास या विकास से संबंधित परियोजनाएँ उससे संबंधित बनाई गई। तो इसलिए इस कार्यक्रम में उत्साह है और लोगों को लगता है कि अगर इस देश को विकास के पथ के ऊपर चलना है तो इस देश के लिए नरेंद्र मोदी जरूरी है। वो ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने 2014 में एक उम्मीद जिसके ऊपर लगी थी इस देश की जनता को, वो 2014 की उम्मीद 2019 में विश्वास में बदल गई है कि अब कोई व्यक्ति कर सकता है तो यही कर सकता है। विश्वास में बदलना राजनीतिक क्षेत्र में उस व्यक्तित्व के लिए इस देश की राजनीति की एक नई दिशा है और इस देश को प्रगति के पथ के ऊपर ले जाने का संकल्प है। इस नाते से इस रैली का महत्व है। सिख समुदाय ने बोला कि हम लोगों के लिए जरा अलग से बनाया जाए, तो उन्होंने जो कहा उनकी बात मानी। जो देखिए, सन 84 के जो पीड़ित हैं वो स्वाभाविक रूप से 84 के बाद अभी तक 26 साल वो और 16 साल वो और इधर 18 साल, लगभग 35 वर्ष होने के बाद भी उनको न्याय नहीं मिला। आज उनको लगता है कि हमारी सरकार में नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद उन्होंने SIT गठित की, वहाँ पर न्याय मिला। उत्तर प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने SIT की गठित करी है, तो उनको एक विश्वास हुआ, उनको एक आशा की किरण बनी है कि नहीं, यही सरकार हमारा इतने वर्षों के बाद हमारी चिंता कर सकती है। और मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि उनकी चिंता करना उनके ऊपर एहसान नहीं है, उनकी चिंता करना सरकार का कर्तव्य है, जो पहले ही हो जाना चाहिए था। हमारी सरकार संवेदनशील है, उनकी चिंता करेगी, इस नाते से भी उनमें उत्साह, वो अलग ही दीर्घा की उन्होंने कहा।